अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शुरू करूंगी जिसका नाम है वेजिटेबल्स कोफ्ता करी। वेजिटेबल्स कोफ्ता करी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है, बाकी जो मसाले वगैरह वो मैं आपको साथ साथ डाल के दिखाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। ये मैंने आलू ले लिए थे जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने टमाटर की प्योरी बना ली है, टमाटर की प्योरी जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को बॉईल करके उसका छिलका उतार के फिर उसको थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने प्याज काट के रख लिए हैं, मतलब इसी तरह काट लिया है, ज़्यादा मतलब कोई चॉप नहीं कर लिया, इसी तरह मैंने प्याज काट लिया है। ये ग्रीन चिलीज है, 3 ग्रीन चिलीज है, ये एक लेमन है और ये हरा धनिया और ये जो है ये लहसुन मैंने चॉप करके रखा है। ये पालक है जिसे मैंने धो के और फिर उसे चॉप करके कट करके इस तरह रख लिया है। ये शिमला मिर्च है जिसे मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये ऑरिगेनो है, ऑरिगेनो ये एक इटालियन हर्ब है, आपको किसी भी अच्छे से सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा और इसके कुछ लीव्स इसमें जाएंगे। चले जी आइए अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने आलू लिए थे, सबसे पहले आलू के अंदर मैं ऐड करूँगी पालक। ये शिमला मिर्च जो हमने कट करके रखी थी ये डाल देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून जितना ही इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ये धनिया पाउडर है, मतलब 1/4 टेबल स्पून जितना, 1 टेबल स्पून जितना इसमें मैदा चला जाएगा और बस अभी सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। चले जी मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है, ये इस तरह मैंने बना लिया। इसे अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले इसके लिए जो इसकी जो कड़ी बनेगी, इसकी जो वो ग्रेवी बनेगी, अब हम वो बनाते हैं। इतनी देर में उस मिक्सचर को जो हमने बनाया है बॉल्स के लिए उसे छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसकी बॉल्स लगाएंगे। इतनी देर में हम उसके लिए उसकी कड़ी बना लेते हैं। इसमें मैंने घी डाल दिया है और अब ये घी गर्म हो रहा है। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये जो हमने प्याज कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। मैंने प्याज फ्राई होने के लिए खड़ा दिया। इतनी देर में हम इसकी बॉल्स बना देते हैं। मैंने कोफ्तों की तरह इसकी बॉल्स बना ली है, पहले 10 बॉल्स बनाई है। निकालो, फिर भी ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है। इसका आप पराठा बना सकते हैं और इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसकी टिकिया भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने इसके 10 कोफ्ते बना लिए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। ये मैंने प्याज बिल्कुल ऐसे क्रंची सी कर ली है और इसको मैंने फ्राई कर लिया था और ये अब हो गई है ठंडी। इसके बाद मैं इसको एक मिक्सर लूँगी, मिक्सर में डाल दूंगी और इसके अंदर फिर बाकी इंग्रीडियंट्स डालते हैं। ये मैंने ग्राइंडर मिक्सर ले लिया, उसके अंदर वही जो प्याज और उसका जो ऑयल था वो डाल दिया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो। ये ऑरिगेनो है, ये देखिए इसके इतने से लीव ले ले हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए ज़्यादा लीव इसके नहीं ले ले। इसमें मैंने ऑरिगेनो भी ऐड कर दिया है। ये जो सब्ज़ मिर्चें मैंने करके रखी थी कट, इनको आधी मैं इसमें डाल दी हूँ, आधी मैं बाद में जो फ्राई करते हुए डालूंगी। ये इतना सा भर के हाथ में 2 चुटकी जितना ये धनिया का पाउडर चला जाएगा। चले जी अब हमें इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। टमाटर की जो हमने प्योरी बनाई थी वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। चल अब इसको हमने अगेन ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया है, अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देते हैं। चलिए जी ये मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसके अंदर प्योरी डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देना है, अपने टेस्ट के ही हिसाब से हमने इसमें मिर्चा ऐड कर दिया है।
इसको थोड़ी देर तक हम इसी तरह पकाएंगे जब ये गाढ़ी जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। थोड़ी सी एक पिंच जितनी इसमें हल्दी चलेगी। चले जी, इस पॉइंट पे इसमें हमने हाफ लेवल का जूस डाल देना है जी। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जितने जी फ्रेंड्स देखे, मैंने मेरा मोबाइल जो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था इस वजह से मैं आपको ये फ्राई करते हुए नहीं दिखा सकी। सिंपल इसको ऑयल में फ्राई कर लिया। ये मैंने फ्राई कर लिया है और ये मैंने बहुत प्यारा सा एक बर्तन लिया है जो कि बिल्कुल चराग की तरह लगता है। इस पर 3 पूरी आ रही थी तो मैं सिर्फ 3 रखी है। इसको इसी तरह आपने जिस चीज़ में भी डिश आउट कर लिया इस तरह डालना है और ऊपर से ये कढ़ी डाल देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने मज़े की हमारी आज की वेजिटेबल कढ़ी रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे। वेजिटेबल कोफ्ता कढ़ी रेडी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये हरा धनिया चला जाएगा और थोड़ी सी ये वही चीज़ें मैं डाल रही हूँ जो कि मैंने आपको दिखाई थी कट करके। ये देखिए थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और एडवे जस्ट फॉर सर्विंग ये लेवल रख दिया। चलो जी फ्रेंड्स, हम मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करनी है। ये कोई गोश्त वगैरह इसमें कोई किसी किस्म का गोश्त चूज़ नहीं हुआ और ये बहुत ही मज़ा है कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं। आलू आलू से बनी है, इसमें शिमला मिर्च है, इसमें पालक है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरह लंच में सर्व कर सकते हैं इसे आप। और इसका मेरा बर्तन चेक करें कितना प्यारा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।